एंड मैंने बेहोश होने की एक्टिंग की। ओह फिल्मी मिसेस बियर। ए। ओके फिर। फिर अविनाश ऑफिस का काम छोड़कर घर आ गया भागे भागे। That good? Good क्या? It's the best. इससे प्रूव हो गया कि अविनाश आज भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और हमारा प्यार जिंदा था, है और रहेगा। Great. फिर क्यों? Well, फिर हमने ढेर सारी बातें की। उसने मुझे एहसास कराया कि मैं कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। बस इसके आगे क्या हुआ होगा मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मुझे नहीं जानना है। क्या हुआ होगा? You really want to know? I really want to know how much you know. आप दोनों और ज्यादा रोमांटिक हुए होंगे और मिस्टर बियानी मस्ट हैव किस्ड यू। हाय पुशी। हाय जिया। हाय। हाउ आर यू? या आई एम गुड। हाय तुम यहाँ? मैंने बुलाया था। लुक एट द ऑफिस, एंजॉय। नाइस ऑफिस हाँ पुश। अच्छा पुष्कर, आई नीड योर हेल्प। मुझे ना मिस इंडिया के लिए प्रिपेयर करना है। तो क्या तुम प्लीज मुझे इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर कर दोगे? नो मैम। यस पुष्कर जरूर हेल्प करेगा तुम्हारी जिया, डोंट वरी, मैं गारंटी लेती हूँ। सो आज क्लबिंग चले? Clubbing? Yes, great. That's a great idea. I don't know. I mean, get suddenly. Come on, Puchki. Don't be a bore. मैं भी तो चल रही हूँ. पक्का? हाँ, पक्का. तो फिर मैं सोच सकता हूँ. All right then. Great. अच्छा तो अभी मैं चलती हूँ. मुझे ना शाम के लिए शॉपिंग भी करनी है. तो आज रात को मिलते हैं 9 बजे. चलो. Bye bye. Take care. Bye Maya. Bye. Bye. What is your problem? तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो यार? कितनी अच्छी लड़की है जिया। And she clearly likes you. But I like you. उसका क्या? है कोई इसका जवाब? Come on, Puchki. Stop flirting. You know, Mrs. Biani, I don't flirt with you. Anyway, check it. Coffee? I'll get it for you. लड्डू के भैया। अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? खैर तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहां लाए हैं ताकि अभी मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। पुलिस ने जरूर विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था। कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर,
मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब पापा, मैं निक्की के घर जा रही हूँ। आप, वो उसका कॉल आया था, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।